टूटना, खुदकुशी की भावनाओं का पनपना इत्यादि हो सकता है। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार की दिल लगी, पार क्या समुद्र किनारे चुम्मा चाटी या शादी के बाद नाजायज संबंध का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य का फूल समान दिल रक्त संचार के लिए बना हुआ है, पर कुछ लोग इसे प्यार, इश्क और मोहब्बत जैसे बेफिजूल कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक साधारण प्रेमी के दिल को अगर आप निचोड़ के देखें, तो इतनी मात्रा में आंसू मिलेंगे जिसमें आप डूब के मर सकते हैं। हम रोज करीब 50 नए दीवाने देख रहे हैं, महीने में शायद 1000। उनमें से 80-90% या तो प्यार में धोखा खाने से, या गर्लफ्रेंड के खर्चे से परेशान होकर, या दिल के टूटने की वजह से हमारे यहाँ आते हैं। ये रमेश की कहानी है। मेरा नाम रमेश है। 20 सालों में न जाने मैंने कितनी लड़कियों के साथ दिल लगाया, और हर लड़की ने मेरा दिल इतनी बार तोड़ा कि अब ये जुड़ नहीं पा रहा है। कल मेरा ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन के बाद शायद ही मैं किसी से दिल लगा पाऊँ। अफसोस, रमेश बच नहीं सका, और वो सिर्फ 24 साल का था। लड़की पटाना, उनसे दिल लगाना, नैन मिलाना, सब जानलेवा है। आज ही छोड़े। That's me, जय, डॉक्टर बाय एजुकेशन, अब फिल्म मेकर बाय प्रोफेशन। फिल्म्स बनाना मेरा सपना है। हम ऐसी वाली नहीं जैसे मैंने अभी देखी थी, मीनिंगफुल फिल्म्स। ये है हिटलर, मेरा बाप। अगर चाहे तो ये मेरी 10 फिल्मों को आराम से फाइनेंस कर सकते हैं, पर इनकी जेब में हाथ डालने से बेहतर है कि मैं शेर के मुंह से हड्डी छीन लूं। लो, शुरू करो। फिर से डोसा? तुम कुछ और क्यों नहीं बना सकती हो? या डोसा या फिर इडली। ठीक है, कल से कॉर्नफ्लेक्स बना दूंगी। मेरे लिए तो अच्छा है, सुबह का काम भी बच जाएगा। नहीं नहीं, डोसा ही ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा।
माँ मुझे मीटिंग के लिए जाना है। हाँ तो ठीक है, ब्रेकफास्ट रेडी है, करके जाना। ठीक है, मैं बस दो मिनट में आया। ओके। ये अपने बाल काटता क्यों नहीं? प्लीज प्रवीण, सुबह सुबह शुरू मत करो। नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा था कि जब मैं शाम को घर लौटूंगा ना, तब दो अच्छे बड़े गजरे लेके आऊं। हाँ, जैसे मेरे लिए रोज लेकर आते हो ना। कितने पैसे बर्बाद किए उसे डॉक्टर बनाने के लिए। अच्छा होता कि अगर घर में ही डॉक्टर होता ना, किसी और डॉक्टर को फीस नहीं देनी पड़ती ना दवाई के लिए। क्या प्रवीण, स्टॉप ट्रीटिंग हिम लाइक अ किड। 35 साल का हो गया है, बच्चा नहीं है वो। और डॉक्टर बनाना तुम्हारा सपना था, उसका नहीं। अरे अभी अभी तो उसे पता चला है कि उसे बनना क्या है। जस्ट लेट हिम गो एंड फॉलो हिज ड्रीम्स। लो दवाई। तुमने तनिषा के बारे में उससे बात की? नहीं, करूंगी। अभी तो घर आए, मौका देके करूंगी। प्लीज जल्दी कर लो, आई थिंक इट्स हाई टाइम। ओके। ओह डैम। प्रवीण फिनिश तो करो। बाद में, शाम को डोंट वरी, शाम को। जा रहा हूं मैं। गजरा मत भूलना। हाँ, दो लेके आता हूं रात को। बाय। बाल कटो बाल। थैंक यू। क्या बात है, हिटलर तुम्हारे लिए गजरा ला रहा है। मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। और वो हिटलर नहीं, तुम्हारे पापा है। मुझसे तो हिटलर की तरह ही बात करते हैं। कभी कभी शक होता है क्या सच मुझे मेरा बाप है। Stop it, Jay. Nonsense. चलो नाश्ता करो। फिर से डोसा? कल कॉर्नफ्लेक्स दे दूंगी। नहीं नहीं, डोसा ही ठीक है। थैंक यू। मॉर्निंग सर। क्या नाम बताया था तुमने? सर जय। सॉरी जय जय। सेट। क्या है जय कि मुझे टाइम वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। मैं एक मारवाड़ी हूं, इसलिए अब तुम्हारी फिल्म को चाहे ऑस्कर मिले या नेशनल अवार्ड मिले, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मुझे अगर इंटरेस्ट है तो वो है मेरे प्रॉफिट में। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी स्क्रिप्ट में दम नहीं है, ना बिल्कुल नहीं। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं फिल्मों में इन्वेस्ट नहीं करता, करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है लेकिन जय, कि तुम्हें 75 लाख रुपये चाहिए। तो मैं ऐसी फिल्म में जिसमें 75 लाख की ज़रूरत हो तुमको, और मैं आई डोंट थिंक इट इज़ राइट, मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी। तो ये रही तुम्हारी स्क्रिप्ट। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक। तो ये थी मेरी 13वीं फ्लॉप मीटिंग। 2 साल पहले मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के फिल्म बनाने निकला था। अब ना बैंक में बैलेंस बचा है, ना दिल में पेशेंस। कभी कभी सोचता हूँ कि कैमरा लेके निकल पड़ू और जो नजारे मेरी आंखों के सामने चल रहे हैं उन्हीं को कहानियों में भिरो कर फिल्म बना लू। Something real.
603 की करुणा के बेटे हो ना? जी। क्या एज होगी तुम्हारी? 35। हाँ, शादी हो गई? नहीं। देखो बेटा, हर चीज की एक एज होती है। अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी उम्र के तो कई लड़के बच्चों के बाप बन गए हैं। क्यों अपने माँ बाप को टेंशन देते हो? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। कब तक अपने माँ बाप को? आपकी उम्र क्या होगी आंटी? हाँ? I'm 83। आपकी उम्र के कितने लोग तो आपको भी देर नहीं करनी चाहिए। आखिर घर वालों को कितनी टेंशन दोगे आप? बड़ों से बात करने का ये कोई तरीका है? बेटा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? छोड़ ना। माँ, मुझे यही समझ में नहीं आता, अगर मैं एक लड़की होता तो शायद आप मुझे केजी से कुकिंग की ट्रेनिंग देते। हाँ, क्योंकि शादी के बाद ये सब लड़कियों को करना पड़ता है। माँ, ये आपकी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि लोग एक दूसरे के बगैर जी ना पाए। लड़कों को कुकिंग से दूर रखते हो और लड़कियों को कुकिंग सिखाते हो। जब एक बैचलर को भूख लगेगी वो तो यही सोचेगा ना, काश मेरी एक बीवी होती जो मेरे लिए मस्त गर्मा गर्म पराठे बनाती। और उसकी मस्त जिंदगी का दी एंड। इसीलिए तो हमारा घर छुपके कार्तिक के साथ रहता है। माँ, कार्तिक के साथ रहता हूँ तो मुझे आटे और दाल का भाव पता चलता है। यहाँ रहता हूँ तो फ्री लॉजिंग बोर्डिंग खाना मिल जाता है। वहाँ रहता हूँ तो एक रियलिटी चेक मिल जाता है। लेकिन जय, एक बात पता, तू शादी नहीं करना चाहता। किसने कहा मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ? करना चाहता है? हाँ, मैं शादी करना चाहता हूँ पर आपके रीजंस के लिए नहीं। तो मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिससे मैं घंटों तक बात कर सकूं, जिसके साथ रहने पर टाइम का पता ना चले। सो बेटा, मैं बिल्कुल ऐसी ही लड़की को जानती हूँ। मिलेगा? नो। अरे, व्हाट नो? अभी तो इतनी फिलॉसफी झाड़ रहा था। और नो? माँ, मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। रेडी नहीं हूँ? नहीं। 35 साल के हो गए हो, कब रेडी होगे? रिटायरमेंट के बाद? जय, सब एवरीथिंग इज मतलब मॉम। नहीं मॉम। तो फिर तो लड़की को मिलने में क्या हर्ज है बेटा? पसंद आई तो ठीक है, नहीं पसंद आई तो मना कर दे। व्हाट्स द बिग डील? इट्स एज सिंपल एज दैट। और बहुत अच्छी लड़की है। प्लीज जय, प्लीज। ओके, पर मैं उसे अकेले में मिलूंगा, आप लोगों के सामने नहीं। ओके? या, दैट्स फाइन। हाँ हाँ, ठीक है। एक मिनट, क्या हुआ? ये ले बेटा, तेरे लिए। क्या ये? प्रोटेक्शन। Protection? Oh, this is so embarrassing. What is embarrassing? अरे अंदर पहनेगा तो कोई देखेगा भी नहीं। ले पहन, ले पहन। No, no ways. What is wrong with you, Jay? तुझे पता है दावीज मासी शिरडी से लाई है। So silly. Hmm.
देखा लड़कियों से मिलना कितना इंटरेस्टिंग होता है। हमें इतनी इंटरेस्टिंग है तो मुझे नहीं चाहिए। कम ऑन, डोंट बी अ शोविनिस्ट, एडमिट कर ले। उसको देखकर तेरा मुंह कुछ सेकंड्स के लिए खुला का खुला रह गया होगा। उसने जब मुंह खोला तब मेरी बोलती बंद। ओ गॉड, चला जा, लेट्स डू वन मोर राउंड। अबे नहीं यार, मूड नहीं है। चल 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 चल, नॉर्मल वॉक करते हैं। अरे पागल हो गया क्या? मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था, ये वो सो एम्बैरेसिंग है। चल अच्छा है, एटलीस्ट उन्होंने लड़कियां देखनी तो स्टार्ट करी। तू भी अब मॉम डैड की तरह बात करने लगा है। तेरी प्रॉब्लम क्या डूड? देख इतना मुझे पता है तू गे तो नहीं है, पर पिछले 14 सालों में तेरा कोई अफेयर भी नहीं हुआ। चक्कर क्या है? क्या नहीं हुआ तो क्या हुआ? नथिंग, बट इट्स स्ट्रेंज यार, तू किसी से भी अट्रैक्ट नहीं होता। और ये बात अलग है कि तू हर 2 वीक में किसी ना किसी के साथ तो अट्रैक्ट हो ही जाता। वो तो यार है भाई, देख आदमी जानवर होता है, उसे 3 चीज की बहुत जरूरत होती है, खाना पीना और। तू सबसे बड़ा जानवर है कमीने, चल बैठ गाड़ी में। क्या तू कभी किसी लड़की के साथ सीरियस नहीं था? था ना, स्नेहा के साथ। फिर क्या हुआ? बच्चे है क्या? अभी किसी और के शादी हो गई इसकी। कोई नहीं यार, तेरे लिए भी कहीं ना कहीं कोई बनी होगी। इसी आसमान के नीचे बैठकर कहीं पर कपड़े या बर्तन धो रही होगी। चेस। सच कहूं तो यार, आज भी हर लड़की में स्नेहा को ही ढूंढता हूं। अरे यार कोई नहीं, राइट टाइम पे तुझे भी तेरी परफेक्ट गर्ल मिल जाएगी, चिल। लड़कियां और परफेक्ट, लड़कियां स्पेक की तरह होती हैं, जब तक पियो तो एकदम मस्त, साला सुबह उठो तो हैंगओवर। और वैसे भी ये परफेक्ट गर्ल वाला कॉन्सेप्ट थियरी में ठीक है। क्यों? रियल लाइफ में मेरे समझ के बाहर है। मैथमेटिकली प्रूफ करूं? थियोरेटिकली तेरी परफेक्ट गर्ल कहीं भी हो सकती है, आई मीन शी कुड बी एनीवेयर, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश। हम लोग के लिए इंडिया ही काफी है। इंडिया? इंडिया की पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 1.2 बिलियन, यानी 120 करोड़। अब 120 करोड़ में मान लेते हैं 50% लड़कियां हैं, कितनी हुई? 60 करोड़। अब ये 60 करोड़ लड़कियों में और उसमें तेरी एज ग्रुप यानी 30 से 35 में 95% लड़कियों की शादी हो चुकी होगी इंडिया में, बचे कितने? 5%। मतलब 30 लाख। अब ये 30 लाख लड़कियां पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स पे। सो व्हाट आर चांसेस ऑफ यू गेटिंग योर परफेक्ट गर्ल? अब मान ले तेरी परफेक्ट गर्ल बस में तेरे आगे बैठी है, ट्रेन में तेरे पीछे बैठी है, या स्टेशन में तेरे बगल में खड़ी है। हाउ डू यू गेट टू नो? चल मान लेते हैं तेरे को तेरी परफेक्ट गर्ल मिलती है तो जाके उसको कहता है लव यू, पलट के वो कहती मेरे तो 2-3 बच्चे हैं। भाई ये परफेक्ट गर्ल वाला फंडा ना, ये हिंदी फिल्मों में ठीक है, रियल लाइफ में इट सक्स। इमेजिन कर तुम एक लड़की से मिलते हो कुछ वक्त के लिए, मे बी फॉर एन आवर, एंड यू नो इट कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, पर साला वक्त परफेक्ट नहीं है। तुम कॉलेज में हो, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी है, पर तुम्हें अलग अलग रास्ते जाना होगा।
वक्त गुजरता जाता है, दिन महीने महीने साल में बीत जाते हैं। वक्त के साथ साथ वो मुलाकात एक याद बन के रह जाती है, और कुछ साल बाद वो याद धुंधली हो जाती है। फिर 14 साल बाद अचानक से भीड़ में वही लड़की तुम्हारे सामने आके निकल जाती है, और तुम्हें लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, पर जब तक याद आ जाए, she's gone, disappeared in the crowd. तुम क्या करोगे? Did we have... कार्तिक सिर्फ एक ही घंटा था यार, एक घंटे में तो बहुत कुछ हो जाता है। You're right. एक घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। बता देता तो थोड़ी ना जाने देते आप। हाँ, नहीं जाने देते। अच्छा, मां मैं प्रणय से 1,000 रुपए उधार ले लेता हूँ, आप उसके डैड को लौटा देना। ठीक है भाई, यहाँ से बागा चलेंगे, बागा से कलंग फिर देखते ना क्या हुआ, मिला क्या? नहीं यार, प्रणय मेरा चलता फिरता ATM समझा करना यार। अरे आज छुट्टी है इसलिए सारे बैंक बंद है, तो डैड ने कहा तुझसे पैसे लेने के लिए, वो तेरे डैड को लौटा देंगे पक्का। अरे मेरे डैड ने बोला है यार, मुझ पर नहीं तो एटलीस्ट उन पर तो भरोसा रख। कितने? 3,000। ये ले 1,000, बाकी जब तेरे डैड मेरे डैड को देंगे तब मैं तुझे दूंगा। यार बॉम्बे जाने वाली बस 1 घंटा लेट है। तो ठीक है, इंतजार करते हैं। कम ऑन यार, चलकर शॉपिंग करते हैं, बड़ा मजा आएगा। नहीं यार, तू जाना, मैं यही वेट करती हूँ। डोंट बी सच अ बोर। सोनिया डार्लिंग, मैं ऐसे ही बोरिंग हूँ। देख, तेरे शॉपिंग टाइम में से 1 मिनट ऑलरेडी वेस्ट हो गया है। या यू आर राइट, तुझे मनाते मनाते आई विल वेस्ट माय सीरियस शॉपिंग टाइम। एग्जैक्टली, तू यहीं बैठना, मैं अभी आती हूँ। बाय। चल यार टीटो चलते। तुम लोग चलो, मैं बस आया। कम ऑन यार, अभी ये क्या नया नाटक। अरे तुम लोग जाओ ना यार, वैसे भी तुम लोग की स्पीड के हिसाब से मैं 1 घंटे बाद भी निकला ना तो भी तुम लोग से जल्दी पहुंच जाऊंगा। क्या यार, आता हूं ना यार। चल चल भाई, आजा फिर। बाय। मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ। तुम कुछ बेच नहीं रहे हो और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। परफेक्ट। परफेक्ट तो तुम हो। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? व्हाट डिड यू जस्ट से? आई सेड कि तुम परफेक्ट हो। आई मीन, शक्ल से इतनी खास नहीं हो, पर तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। ये लाइन ना किसी और पे ट्राई करना। नो सीरियसली, आई रियली मीन इट, यू आर द 100% परफेक्ट गर्ल फॉर मी। और मुझे ऐसा बिल्कुल ना लगे तो? वेल दैट्स टू बैड। You think you're too smart, na? बचपन से। Really? Really? Just cut the crap, what do you want? मुझे बस तुमसे बात करने का मन किया, इसलिए मैं वहाँ से यहाँ चला आया। ऐसे ही? नहीं तो क्या, स्लो मोशन में भाग के आना पड़ेगा। नहीं, I mean, let me get this correct. तुमने मुझे देखा, तुम्हें लगा कि ये मेरी परफेक्ट गर्ल है, और तुम मुझसे आकर बात करने लगे, ऐसे ही? नहीं, मैंने तुम्हें देखा और मुझे लगा इस लड़की के सामने उसका परफेक्ट गाय खड़ा है, पर ये कोई मोटी सी नॉवेल पढ़ रही है इसलिए उसे देखेगी तक नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए तुमसे आके बात की। What? Just get lost. अरे अरे सुनो तो, सुनो just let me out, just 1 minute यार। देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। Okay, I know I was a little arrogant. Yeah. Stupid. Look, I'm really sorry if I ticked you off. You should be. देख, तू यहाँ बैठकर अगले 1 घंटे तक यही बुक पढ़ती रहेगी, फिर बस आएगी तो बस में चढ़ेगी, फिर यही बुक पढ़ेगी। अब इस नॉवेल का एंडिंग तो बदलने वाला नहीं है।
पर तुम यही वक्त अगर मेरे साथ बिताएगी तो क्या पता, शायद तुझे भी महसूस हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। नो वे, कम ऑन यार, तुम्हारी जिंदगी थोड़ी ना मांग रहा हूँ। प्लीज, ओके, सिर्फ 10 मिनट्स। अगर 10 मिनट में तुम्हें लगे कि मैं कोई पकाऊ हूँ या कोई वैसी दरिंदा हूँ तो तुम वापस जा सकते हो। वॉट, वैसी दरिंदा? जस्ट एग्जाम्पल दे रहा था, हूँ नहीं। कम ऑन यार, जस्ट 10 मिनट्स प्लीज। ओके, बट सिर्फ 10 मिनट्स। ओके डन। बट ये बैग? मेरी पहचान का ट्रैवल एजेंट वही है, वही रखवा देते। चोर नहीं हूँ। पैन कार्ड दिखाओ। हेलो डैड। हाँ बस थोड़ी लेट है। नो 1 आवर। इट्स ओके डैड, सोनिया है ना मेरे साथ। हाँ मैं रिक्शा पकड़ के पहुँच जाऊँगी। डैड आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ओके बाय डैड। ऑल ओके? या मोबाइल फोन है ना वाला? सो कौन था? डैड वो भी ना, मुझे लेकर हमेशा टेंशन लेते हैं, कहाँ हो, किसके साथ हो, खाना खाया कि नहीं। समटाइम्स इट्स रियली इरिटेटिंग। इरिटेटिंग? तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास ऐसे डैड है जो तुम्हारी इतनी देखभाल करते हैं, ख्याल रखते हैं। ख्याल तो हर पापा रखते हैं पर मेरे कुछ ज़्यादा ही रखते हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? आई डोंट नो, लेट्स जस्ट वॉक। बट कहाँ? यही पेंजम में, पास में काफ़ी अच्छी जगह है। एक्चुअली लोग गोवा बीचेस, ट्रांस पार्टीज और नंगे फिरंगियों को उतारने आते हैं, असली गोवा तो किसी ने देखा ही नहीं। अच्छा, और तुम इन सब चीज़ों के लिए नहीं आते हो? ऑब्वियसली। एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने कहा था कि यहीं आसपास कोई टॉपलेस बीचेस भी है, पर यहाँ आया तो चकपक हो गया। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, चलो क्रॉस करते हैं। कम कम से हो? It's Mumbai. Yeah, but I was born in the UK. Ah, that explains the accent. Accent? What accent? नहीं, जब तुम English में बात करती हो। I know. मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, I mean, जब मैं बोलती हूँ। पर पता है 10th standard में मुझे हिंदी में 97% मिला था। क्या बात कर रही हो? 97%? Yeah. I mean, हिंदी में उतना मिलता है क्या? हाँ, क्यों? नहीं, मुझे हिंदी एग्जाम में कभी 50 से ज्यादा नहीं मिला है, इसलिए। तो तुम कहाँ से हो? बैंगलोर से। और घर में कौन कौन है? दादी, डैड, मॉम। वो दुबई में रहते हैं, चाहते थे मैं इंडिया में पढ़ाई करूँ, इसीलिए सेकंड स्टैंडर्ड में मुझे अपने दादा दादी के पास ड्रॉप करके गए। दैट्स सैड। नहीं नहीं, कोई सैड वैड नहीं हुआ, अगर वहाँ रहता तो मेरी दादी यहाँ अकेली पड़ जाती। लगता है कि तुम अपनी दादी के काफ़ी करीब हो। या यू नो शी 78, पर दिल से अभी भी 19-20 की है। वही एनर्जी, वही मस्ती। एक बार तो हमारे साथ डिस्को आई थी, ये देखने कि डिस्को होता क्या है। वाओ, दैट्स सो क्यूट। दैट शी इज। पूरा थिंग पिछले साल दादा के गुजरने के बाद काफी चुप चुप सी हो गई है। ओह, आई एम सो सॉरी। एनीवेज, तुम बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? एज यूजुअल, डैड, मॉम, दादा दादी, चाचा, मौसी, सोनू और सिद्धार्थ, शैली भाभी और उनकी छोटी सी त्रिशा। बस इतने ही लोग? किसी और को फूल तो नहीं रही हो? ओया, कमला दीदी हमारी सर्वेंट और जोगिंदर हमारा ड्राइवर। मैंने घर में कौन है पूछा था, पूरे शहर में नहीं। हाँ हाँ, वेरी फनी। बचपन से? पर इतने लोग एक ही घर में रहते हैं? नहीं, एक घर में नहीं। एक्चुअली जब हम लंदन से मुंबई शिफ्ट हुए थे तो दादाजी ने वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर मुंबई में पूरी बिल्डिंग खरीद ली और हर एक फैमिली को एक एक फ्लोर दिया। नाइस, जॉइंट फैमिली, पर हर एक फैमिली को अपनी प्राइवेसी मिल जाती है। या दादाजी के डिसीजन हमेशा सबके लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनके आगे किसी की नहीं चलती। तो शादी के लिए अगर तुम्हारा हाथ मांगना हो तो दादाजी को बताना पड़ेगा। I would love to see that. दादाजी तुम्हारी चटनी बना देंगे। वो तो वक्त आने पर ही पता चल जाएगा, okay? Well, अगर तुम मुझसे सीरियसली शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। क्यों? क्योंकि डैड मॉम ने मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया और 2 साल में मेरी शादी हो जाएगी। No way. Yeah, seriously, हमारे कास्ट में लड़कियों की शादी 20 से पहले और लड़कों की 23, मैक्सिमम 24। What? Yeah. पर इंडिया में तो चाइल्ड मैरिज इलीगल है। हाँ हाँ, वेरी फनी। नो सीरियसली, आई मीन 2 साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी। और अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो?
मुझसे नहीं, किसी और कथे से, किसी रसिकलाल चौबे से। फिर भी तुम अपने घर वालों की पसंद से शादी करोगी? हाँ। मुझे देखकर कहो। हाँ। But this doesn't make any sense, yeah? I mean, कैसे? No, I mean, मैं नहीं मानती मॉम डैड से ज्यादा मुझसे कोई प्यार करेगा और वो मेरे लिए जो भी डिसीजंस लेंगे सही होंगे। अरे लेकिन वो पेरेंटली लव है, मैं रोमांटिक लव के बारे में बात कर रहा हूँ, यू नो, हार्मोन्स वाले, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। क्या? आई मीन मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक लड़का और एक लड़की अट्रैक्ट कब होते हैं? इट्स द हार्मोन्स। तुम्हारे ये सब नेट पे है, तुम बिलीव नहीं करती तो चेक कर सकती हो। तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं है क्या बात करने के लिए? तुम्हें ये टॉपिक पसंद नहीं है क्या? ऑब्वियसली नो। हे, कॉफी शॉप, कॉफी पियोगी? Sure, एक्चुअली थोड़ी भूख भी लगी है। चलो। Mommy's kitchen. It's lovely. Yeah, it's really nice. This? Yeah. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Andate, mamita, que no puedo esperar. What a lovely dress you're wearing, ma'am. Thank you. Ma'am, bottle water, mineral water, ya regular water? Mineral water, room temperature, please. Aur mere liye, boiled water. Boiled water? मेरे लिए एक मम्मीज कॉफी। सर आप कुछ खाएंगे? नहीं, आई एम गुड। मेरे लिए एक मशरूम सैंडविच। वेरी गुड चॉइस मैम। यू शुड ट्राई द होममेड कुकीज दैट आवर कुक मेक्स। इट्स आवर स्पेशलिटी मैम। कुकीज आर वेरी वेरी टेस्टी। ओके, आई विल ट्राई दैट। तो तुम करते क्या हो? आई मीन पढ़ाई तो करते हो? सेकेंड ईयर मेडिसिन। डॉक्टर? शकल से तो नहीं लगते। अरे तुम शकल देखकर कैसे कह सकते हो कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ या नहीं? आई डोंट नो, डॉक्टर्स का थोड़ा इंटेलेक्चुअल लुक होता है, अच्छे कपड़े, स्पेक्स, प्लेजेंट पर्सनालिटी। कुछ भी ना, आई मीन तुम ये कहना चाहते हो कि डॉक्टर सिर्फ वही आदमी बन सकता है जो डॉक्टर जैसा दिखता हो? नहीं, हाँ, आई मीन यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा, तो तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम, हाँ, एक आर्टिस्ट हो। थैंक्स। What thanks? First year BFA Fine Arts. Really? Mm-hmm. Wow, तो तुम वो painting में नहीं करती हो? नहीं, painting नहीं, sculpture. मतलब तुम वो मूर्तियाँ बनाती हो? वैसी वाली नहीं. Actually, I do installation art. क्या? Installation art? Software install करना कौन सा art होता है? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे. अरे, come on यार, समझाओ तो सही. इंस्टॉलेशन आर्ट मतलब तुम जो चाहो उसकी आर्ट बनाओ। आर्ट क्या होता है? पेंटिंग, स्कल्पचर। हाँ, पर वो तुम्हारे लिए, एक आर्टिस्ट के लिए आर्ट मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को बयान करने के लिए एक मीडियम। अच्छा, कुछ सालों के बाद से 10 साल बाद सबके पास ये मोबाइल फोन होगा। इस मोबाइल फोन के थ्रू टेलीकॉम कंपनीज ट्रैक करती रहेगी कि हम कब कहाँ हैं। तो कुछ सालों के बाद हमारी प्राइवेसी फिनिश्ड। तो मतलब अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर है तो आई कैन ट्रेस कि तुम कब कहाँ गए थे। तो इस चीज को हम इंसुलेशन आर्ट के द्वारा कैसे दिखाएंगे? कैसे? ओके, मान लो कि तुम एक आर्ट गैलरी में एंटर करते हो। उस गैलरी में एक हिडन कैमरा है जो तुम्हारा वीडियो कैप्चर कर रहा है। उस गैलरी में सिर्फ एक टेलीविजन है जहाँ पे एक वीडियो चल रहा है। क्योंकि उस गैलरी में और कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली तुम उस टीवी के पास जाओगे। और जैसे ही तुम उस टीवी के पास जाओगे, उस टीवी पर तुम्हारा वीडियो प्ले करेगा जो तुम ठीक उस टीवी के पास आने से पहले कर रहे थे। तो wouldn't it be brilliant? I mean, invasion of privacy को artistically explain करते हुए using technology. यार, तू एक दिन top की artist बनेगी, ये तय है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं यार, देखो, वही artist famous होता है जिसका काम किसी को समझ में ना आए। अब please don't feel bad. देखो, it sounds really interesting पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। Thanks. Thanks for being honest. I know, बचपन से।
got me. This is really yum. You should try it. Okay. Not bad, huh? पर एक बात अच्छी है, तुम वो कर रही हो जो तुम्हें पसंद है। You're lucky. ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम भी तो अपनी पसंद से मेडिसिन कर रहे हो। नहीं तो तुम क्या करना चाहते हो? पता नहीं, इसलिए तो मेडिसिन कर रहा हूँ। मतलब ये कि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, पर डैड को पता है, वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। यानी तुम्हें अब तक पता ही नहीं तुम्हें क्या बनना है? बचपन में मुझे साइंटिस्ट बनना था। यार राइट। नो सीरियसली, यू नो बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें वो एक्टर एक साइंटिस्ट था यार, वो अपने बच्चों के लिए एक फ्लाइंग कार बनाता था। ओह माय गॉड, दैट वाज माय फेवरेट मूवी एज अ किड। चिरी चिरी बैंग बैंग। Thank you. उस वक्त तो हर रोज मेरे एम्बिशंस बदलते रहते थे। यू नो 12th के बाद तो मैं फुल्ली कंफ्यूज था कि मुझे क्या बनना है। तब डैड ने एक फंडा मारा। फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है। और तुमने मेडिसिन ज्वाइन कर लिया। राइट। मुझे तो बचपन से ही पता था कि मुझे क्या करना है। यू आर वेरी लकी। यू नो पर मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं कि मुझे BFA करके इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट बनना है। उनको लगता है कि मैं BFA करके स्कूल टीचर बनकर बच्चों को ड्राइंग सिखाऊंगी। तुम इतनी भी भोली नहीं हो जितनी दिखती हो। बचपन से। बचपन से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी अगर शादी हो गई तो तुम ऐसे ही उठ के चली जाओगी? वॉशरूम जा रही हूँ। ओह जाना चाहिए, वॉशरूम जाना चाहिए। बस ऐसे ही, कभी कभी मन करता है तो लिख लेता हूँ। पोएट्री? बस यूं ही। वैसे तुम पर खुले बाल अच्छे लगते हैं। पता है। Are you done? Yeah. अच्छा listen, let's go Dutch, okay? Let's go where? Dutch मतलब 50-50? क्यों? Don't play this old fashioned gentleman thing with me कि सिर्फ लड़का बिल पे कर सकता है and all that. ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, तुम ही पूरा बिल पे कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम क्वाइट मॉडर्न दैट वेज। तो तुम्हारा हुआ 250 और मेरा 50 कॉफी का। हियर यू गो। ये सो तुम्हारा 50। रहने दो। क्यों? टिप में रख दो। 50 रुपए टिप? अरे he was so nice to us. What nice? अरे यार 300 रुपए के बिल के लिए 50 रुपए टिप, it's too much. पागल हो गई है? अरे मेरे पैसे तुम्हें क्या? हाँ हम आपके हैं कौन? अब तक तो कुछ नहीं। देखो मुझे टिप देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इतने चिंदी से बिल के लिए इतना बड़ा टिप? मेरे डैड के पैसे तुम्हें क्या? हाँ क्या तुम्हारे डैड अडॉप्शन में इंटरेस्टेड है? क्यों नहीं, अगर है तो मैं रेडी हूँ अडॉप्ट होने के लिए। अच्छा फिर तो मेरे भाई बन जाओगे। ये सही है, 100% परफेक्ट भाई। नहीं नहीं बैड आइडिया, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। ए दिस इज व्हाट आई हेट अबाउट इंडिया, देयर इज जस्ट नो सिविक सेंस। यॉक। एक मिनट तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे यार Mm-hmm.
अब जिंदगी में कभी रोड पे नहीं थूकेगा। I hope so. Wow, George. चल अंदर चलते हैं। चल के शादी कर लेते हैं। नहीं, तुम्हारी कास्ट में जल्दी शादी कर लेते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि Shut up, यार। अरे तू? वो कबूतर भी आवाज कर रहे हैं, पहले उनको रोको। So beautiful ना? तुम्हें अंदाजा नहीं? अब तुम्हें अंदाजा ही है जॉर्ज को बनने में कितना टाइम लगा होगा? कितना टाइम? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना बनवाया है। तुम भगवान को मानते हो? हाँ, जब एग्जाम्स हो तब। I know, सब भगवान के पास जाते हैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। How selfish ना? कोई भगवान को सिर्फ हाय हेलो बोलने के लिए तो जाता ही नहीं। हर विजिट के पीछे एक सेल्फिश मकसद। But you know, मुझे ये टेंपल्स, चर्चेस, ऐसी जगहों पर जाने में बड़ा मजा आता है। पता नहीं, एक अलग सा सुकून मिलता है। Yeah, I think इन सब जगहों पर एक चीज कॉमन है। God? ना, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। भगवान तो सब जगह है, पत्थरों में, पेड़ पौधों में, इमारतों में। भगवान के लिए मंदिर जाने की क्या जरूरत है? यू नो, मेरी एक थ्योरी है इन चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद के ऊपर। क्या? देखो, इस थ्योरी के वजह से मैं दादी से ऑलरेडी पिट चुका हूँ। फिर तो मुझे डेफिनेटली सुननी है, बताओ। ओके, थ्योरी ये है कि हमारे बॉडी के आसपास हमेशा एक एनर्जी रहती है। और आस? या व्हाटएवर यू कॉल दैट। अब हम अगर खुश हैं तो हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी रहती है, और अगर हम दुखी है तो नेगेटिव एनर्जी। लोग ये सब रिलीजियस प्लेसेस क्यों जाते हैं? प्रे करने के लिए। एग्जैक्टली, क्या प्रे करने के लिए? कि हे भगवान, प्लीज मुझे जल्द से जल्द नौकरी दिला दो, या हे भगवान, आज जब अंजलि बस स्टॉप पर हो तो प्लीज मुझे हिम्मत देना कि मैं उससे जाके बात कर सकूं। इन सब प्रेयर्स में एक चीज कॉमन होती है, होप। और होप यानी कि उम्मीद सबसे पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये दीवारें उन एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर लेती है। यहां बैठकर तुम जो अच्छा फील कर रही हो ना, ये उन पॉजिटिव एनर्जीज का नतीजा है। इंटरेस्टिंग, तुम्हारी सोच और लोगों से अलग है। और तुम्हारी? इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट और आदमी बनना चाहता है ना? चल चलते। तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? पर अब नहीं है। अच्छा, तो ये परफेक्ट गर्ल वाली लाइन पहले भी ट्राई किया है? टेक्निकली वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, सिर्फ नाम के लिए। टेक्निकली नहीं थी मतलब? मतलब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसा कुछ? You know, ding dong. अब तो इतनी भी भोली मत बना। उस वक्त कॉलेज में सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढने के चक्कर में थे। अगर तुम्हारी नहीं है तो जैसे you're considered a loser. Yeah, I know. Peer pressure. Exactly. That's when they linked me with Santosh. Santosh? Oh, सरदारनी थी यार। मेरी कॉलोनी में रहती थी, सेम कॉलेज, इसलिए हम लोग साथ साथ कॉलेज जाया करते थे। तो लोगों ने हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बुलाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो हम ये सुन के हंस लेते थे, पर कुछ दिनों बाद वो सीरियस हो गई। उसके सवाल बढ़ने लगे, जैसे कि गर्लफ्रेंड नहीं बीवी हो, किसके साथ रहते हो, कितनी देर लगा दिया, एंड ऑल दैट क्रैप। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने उसे कन्फर्म करके सीधा बता दिया, संतोष हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। रोते रोते घर चली गई। तुमने बेचारी का दिल तोड़ दिया। या राइट। और घर जाके उसने उसके पेरेंट्स को सब कुछ कन्फेस कर दिया, ये सोच के कि उसके पेरेंट्स जान लगा देंगे उसकी हर विश पूरी करने में। फिर गया, घर आ गए, रिश्ता लेकर, तलवार लेकर, और वो भी अकेले नहीं आए थे, अपने साथ पूरा पंजाब साथ लाए थे। बेचारी तुम्हें दिल से चाहती थी यार। हाँ, इसीलिए उसका बाप आया था तलवार लेकर मेरा दिल निकालने। हाँ, हंस लो हंस लो।
चार दिन तक मैं मेरे दोस्त के यहाँ छिपा था, चड्डी तक नहीं बदल पाया था मैं। चार दिन कहीं भूल गया। उस वक्त ये सब चीज कितनी ड्रामेटिक लगती थी, अब सोचने जाता हूँ तो हंसी आ जाती है। ए, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? नहीं। क्यों? क्यों मतलब? जरूरी थोड़ी ना है कि सबका बॉयफ्रेंड हो। नहीं पर तुम कभी किसी को देखकर अट्रैक्ट नहीं हुई? हॉर्मोन्स वाले? हाँ पर स्कूल में मुझे मेरे स्विमिंग इंस्ट्रक्टर पे क्रश था, बट दैट वाज अ वेरी इनोसेंट क्रश। हाँ, देयर यू गो। कम ऑन यार, मैं 10 साल की थी, इट वाज एन इनोसेंट क्रश। वाणी मुझे हमेशा उसका नाम लेकर चिढ़ाती थी। वाणी? मेरी बहन। ओ, तो तुम्हारी बहन भी है? थी। नहीं, स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक होता है। पता है, कर्क रोग होता है। पता है ओशो क्या कहते हैं स्मोकिंग के बारे में? कहते हैं कि स्मोकिंग प्राणायाम की तरह है, इसीलिए स्मोकिंग पर लोगों को अच्छा लगता है, पर प्राणायाम के साथ भी यही होता है, बस कैंसर नहीं होता। अरे क्या? ओ, तुम भी सिगरेट पीती हो? कभी कभी, नॉट अ रेगुलर स्मोकर। हाँ मैं भी कभी कभी, हर आधे घंटे में कभी कभी। और आधा घंटा है हमारे पास। अब तक तुम वापस नहीं गई, 10 मिनट में वापस जाने वाली थी ना? Obviously, जिस तरह तुमने मुझसे बात की, कोई भी लड़की तुम्हें जूतों से मारकर भगा देती। मेरे जो मन में आया कह देता हूँ, तुम्हें जो देखकर लगा मैंने कहा, सिंपल। तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? क्या है? वहाँ रेस्टोरेंट में मैंने कुछ लिखा था तुम्हारे बारे में। तेरे ख्यालों के पर तुझमें कहीं उड़ान। उड़ान नहीं, उड़ान। द पन। एक मिनट, तुम्हें हिंदी में कितना मिला था? 97। मैंने एग्जाम दिया, आफ्टर राइट इन हिंदी नॉट रीड। अगर मुझे पढ़ने को कहते तो मैं जरूर फेल हो जाती। दो। तेरे ख्यालों के पर तुझमें कहीं उड़ान ढूंढते हैं, बांध के रखी है जो तुमने उड़ने की आजादियां, उन्हीं उड़ानों को न जाने कितने आसमान ढूंढते हैं। वही बातें जो अब तक मैं तुमसे करता था, वही लफ्ज तेरी बोली तेरा निशान ढूंढते हैं, वही चोट जो कल तक तुमने खाई होगी, वही जख्म मेरे अंदर तेरी खराशे तेरा निशान ढूंढते हैं। तुम रंग रंग बदल सकती हो गुजरे हुए कल की तस्वीर, तुम पल पल बदल सकती हो लिखी हुई अपनी तकदीर, बस तुम अपनी सोच के पिंजरे से निकालो खुद को, बस तुम इन बहके हुए हालातों में संभालो खुद को। तुम सभी लड़कियों को यही सुनाते हो? हाँ। और सभी पट जाती हैं? ना, अब तक तो नहीं। तो तुम ये सब क्यों लिखते हो? तुम इंस्टॉलेशन आर्ट क्यों करना चाहती हो? क्यों मतलब? मुझे अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली। वैसे तुम ठीक ठाक लिखते हो। पता है, पर दुख हमेशा इस बात का रहेगा कि मुझे हिंदी में कभी 50 के ऊपर नहीं मिला और तुम्हें 97 मिल गया। What's that? मेरी हॉबी है नेगेटिव्स कलेक्ट करना। ये क्या हॉबी है? बचपन से फिल्म नेगेटिव्स का मेरा एक बड़ा कलेक्शन है। पर किसी की फेंकी हुई नेगेटिव से तुम्हें क्या मिलता है? आई थिंक तस्वीरें लोगों की यादें होती हैं, और ये फेंकी हुई फिल्म नेगेटिव्स वो यादें हैं जो किसी ने अपनी जिंदगी से अलग कर दी है। और तुम उन यादों को अपना लेते हो? क्यों? आई मीन, क्या तुम्हारी अपनी यादें नहीं है? मैं उन तस्वीरों को देखकर उनकी कहानियां बनाता हूँ, उनको देखकर उनके कैरेक्टर्स डेवलप करता हूँ, उन तस्वीरों में लोगों के एक्सप्रेशंस देखकर उनके मन में क्या चल रहा होगा ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जैसे तुमने मेरे साथ किया। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें एक फिल्म मेकर बनना चाहिए। Really? क्यों? तुम अच्छा लिखते हो, लोगों की तस्वीरों को देखकर कहानियां बनाते हो, कुछ तो लिंक है। लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाएगी यार, ये ऑप्शन तो मैंने सोचा ही नहीं था। यू नो, मेरे हिसाब से जिंदगी एक सीरीज ऑफ चॉइसेस है। मतलब? मतलब ये है कि मैं आज वहाँ बस स्टॉप पर बुक पढ़ रही थी और तुमने आकर मुझसे बात की। मेरे पास दो ऑप्शंस थे,
तुम्हारे साथ आऊं या ना आऊं? उसके पहले सोनिया ने मुझे शॉपिंग के लिए पूछा था। अगर मैंने उसके साथ जाने का ऑप्शन चूज किया होता तो मैं वहाँ होते ही नहीं और तुम मुझे अप्रोच ही नहीं करते। तो अब जो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो हमारी अलग अलग वक्त पर की हुई इंडिविजुअल चॉइसेस का नतीजा है। ओह, तो तुम डेस्टिनी में बिलीव करती हो? नहीं, मेरा मानना है कि सबकी डेस्टिनी एक ही है, मौत। अरे वो तो आखिर में आनी ही है, पर मौत जब आएगी तब तुम क्या करोगी? क्या तुम इंस्टॉलेशन आर्ट करोगी या अपने पोते पोती के डायपर बदलती रहोगी? तुम्हें क्या लगता है? डिपेंड्स। तुम क्या चूज करोगी? क्या हुआ? I'm sorry, listen, if... It's okay. वैसे अगर तुम मुझे किस करना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं यार। Shut up. You think you're too smart, ना? बचपन से। तो तुम अपने फ्रेंड्स को जाकर क्या कहोगे? यही कि मैं आज बस स्टॉप पे खड़ा था और मैंने एक लड़की को हाय क्या बोल दिया, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई। कहने लगे आई एम अ परफेक्ट गाय एंड ऑल दैट शिट। अगर कुछ देर और उसके साथ बिताता ना तो पापा जरूर बन जाता 9 महीने में। स्टॉप इट। मुझे लगता है मैं अच्छा पापा बनूंगा। क्यों? एक्सपीरियंस है क्या? हाँ, मैं अपनी नेबर की बेटी को बेबीसिट करता था। उनके पति मर्चेंट नेवी में थे, यू नो, कुछ महीने तक तो उस बच्चे को लगा कि मैं ही उसका पापा हूँ। थे क्या? काश। चीपो। व्हाट? तुम रीइनकार्नेशन में बिलीव करते हो? किसमें? रीइनकार्नेशन, पुनर्जन्म? नहीं, मैं भगवान को हमेशा प्रे करती हूँ कि अगले जन्म में मुझे पंछी बनना है। पंछी बनकर आसमान में बादलों के बीच उड़ना है मुझे। प्रे करते वक्त स्पेसिफिक रहना, क्योंकि अगर चिकन बन के पैदा हुई ना तो आसमान में नहीं सीख पर लटकती रहोगी। एओ। मेरे हिसाब से रीइनकार्नेशन एक बहाना है आज का काम कल पर टालने के लिए। आई मीन, अगर तुम्हें उड़ना है तो पैराग्लाइडिंग ज्वाइन कर लो या पायलट बन जाओ। कल तक क्यों पोस्टपोन कर रहे हो? क्या पता मरने के बाद पता चले कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज है ही नहीं। आई मीन, मरने के बाद कैसे पता चलेगा, बट यू नो व्हाट आई मीन। यू नो, जिंदगी ऐसे जियो जैसे आज आखिरी दिन है और ये आखिरी जिंदगी है। लाइफ में टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। काम का टेंशन क्यों ले रहे हो? पहले डॉक्टर बन जाओ। ओ हेलो, डॉक्टर बनने से पहले मुझे बहुत कुछ करना है। ओके? जैसे मैं और मेरे दो दोस्त एक क्रॉस इंडिया ट्रिप प्लान कर रहे हैं, यू नो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक बाइक्स पर। बाइक्स पर? हाँ, एंड द बेस्ट थिंग इज हम लोग कभी भी होटल में नहीं रुकते हैं। तो रास्ते में कोई झोपड़ी या छोटा सा घर दिख गया वहीं ठहर जाते हैं। और वो तुम्हें रहने देते हैं? हमें आज तक किसी ने ना नहीं कहा। रियली? और खाना? हम उन्हें दाल चावल सब्जियां खरीद के दे देते हैं और वो हमारे लिए पकाते हैं। वाओ, दैट्स स्ट्रेंज। यू नो, मुझे लगता है इंसान के पास जब पैसा कम हो ना तो उसमें इंसानियत ज्यादा होती है। अरे अब क्या हुआ यार? अरे सुनो तो, क्या हुआ? तो मुझे टोन मार रहे हो? अगर मैं एक अच्छे वेल टू फैमिली में पैदा हुई तो इसका मतलब मुझ में इंसानियत नहीं है? अरे तो इतना पर्सनली क्यों ले रही है? मैं तो इन जनरल बता रहा था। ओके, कभी भी रोड पे एक्सीडेंट देखा है? या रोड पे जब एक्सीडेंट होता है और किसी को चोट लगती है तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने वाला कौन होता है? एक सड़क पे चलने वाला आम इंसान, कोई BMW या मर्सिडीज वाला नहीं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अगर कोई BMW वाला उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा तो वो उसे ब्लैकमेल करके पैसे निकालने की कोशिश करेगा। सब लोग ऐसे नहीं होते। ओके? Exactly, सब BMW वाले भी ऐसे नहीं होते। Maybe you're right. ओके, एक बात बताओ, अगर किसी ने तुम्हें 10 करोड़ रुपए दिए तो तुम क्या करोगे? मुझे? मैं दुनिया घूमूंगा, एक सी फेसिंग विला लूंगा और एक स्पोर्ट्स कार। यानी कि तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो जाएगा और तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़ेगी, राइट? हाँ। That's what. इंसान को हमेशा लगता है कि अगर पैसे होंगे तो टेंशन कम होंगे और वो खुश रहेगा, पर ऐसा कभी नहीं होता। पर पैसे एक फरारी जरूर खरीद के दे सकता है जिससे मुझे 100% खुशी मिलेगी। और अगर किसी ने फरारी को स्क्रैच कर दिया तो? आउच। मुझे लगता है तुम्हें वो ट्रिप कर लेना चाहिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। पर उस ट्रिप के लिए काफी पैसे लगेंगे और मेरे पापा ऐसी ट्रिप स्पॉन्सर करने से रहे। तुम लकी हो, तुम ये सब कर सकते हो। क्यों? तुम भी तो ये सब कर सकती हो। नहीं। What do you mean by नहीं?
कभी एक लड़की बनकर जियोगे तब पता चलेगा। जी तो नहीं सकता, पर तुम बता दो सकती हो। एक लड़की कहीं सेफ नहीं होती है, चाहे वो अकेले सड़क पे हो या भीड़ में। बाहर क्या, घर पे भी कभी सेफ नहीं होती। Come on now, you're stretching the limit. हम लोग कैम्ब्रिज में रहते थे, क्रिसमस की छुट्टियों में बड़े ताऊ के यहाँ जाते थे सफक में। वो हमें हमेशा गिफ्ट्स और चॉकलेट्स देते रहते थे। एक बार हमें शादी के लिए सफक जाना था और वानी बहुत बीमार पड़ गई थी, तो ताऊ ने कहा कि वो उसकी देखभाल कर लेंगे। कुछ महीनों बाद डैड मॉम फिर सफक जाने का प्लान बना रहे थे। वानी बहुत जिद करने लगी कि उसे नहीं जाना है। माँ ने उसे बहुत डांटा कि वो क्यों जिद कर रही है। पता नहीं क्या हो गया था उसे। वापस आने के बाद अगले दिन वो अपने कमरे में नहीं थी। सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। पुलिस में कंप्लेन लिखवाया। एक हफ्ते बाद वहां के लेक में उसकी बॉडी मिली। पोस्टमार्टम करने के बाद उन्होंने किडनैपिंग, रेप और मर्डर का रीजन बताया। शिट। 6-7 महीने के बाद जब हम लोग लंदन से मुंबई शिफ्ट हो रहे थे, तब अपना कमरा साफ करते करते मेरे बेड के पीछे एक खत मिला, वानी का लिखा हुआ। क्या लिखा था? यही कि ताऊ बहुत गंदे थे और उनके घर जाने से बेहतर वो मरना पसंद करेगी। तो तुमने अपने मॉम डैड को वो खत क्यों नहीं दिया? दिया पापा को, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? बिरादरी में फैमिली की नाक कट जाती। तब समझ में आया कि वानी और मेरी जिंदगी फैमिली की इज्जत के सामने बहुत छोटी है। मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल से तुम्हारे उस ताऊ को पब्लिकली कैस्ट्रेट करना चाहिए। उसे देखती हूँ तो खून खौल उठता है मेरा। मुझे नहीं लगता। क्या? मुझे नहीं लगता कि उसे देखकर तुम्हारा खून खौलता है। Damn it, he abused my sister. हाँ तो तुमने क्या किया अपनी बहन के लिए? अरे उसे देखकर तुम्हारा खून खौलता है ना, पर तुमने किया क्या? मैं क्या कर सकती थी? I gave that letter to dad. I didn't have any proof. अरे भाड़ में गया proof. कस के लगा देती पैरों के बीच। तुम्हें सच पता है ना? तुम्हारे डैड को सच पता है और सबसे इंपॉर्टेंटली उसे खुद को पता है। तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, सब कुछ सह लेते हो। अरे क्यों? तुम्हारा भी जीने का उतना ही हक है जितना हमारा। ओके, किससे डरते हो? रास्ते में तुम्हें कोई शेर दे तो तुम अपने जूतों को देखते हो कि कितनी जल्दी वहां से निकल लो। अरे उसके बदले एक पत्थर उठा के सिर तोड़ना साले का। अपने हक के लिए लड़ यार। अगर तुम खुद अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो कोई तुम्हारे लिए क्यों लड़ेगा? वाट लगा दो इनकी यार। क्यूट लगती है। तुम्हें क्यूट लगता है तो ठीक है। थैंक्स। किस लिए? फॉर एवरीथिंग। व्हाट?
ऐसे इमोशनली डिस्टर्ब होने के वक्त बनने वाले रिलेशनशिप्स ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। Shut up. क्या बस स्टॉप पर तुमसे बात करने वाले हर लड़के को तुम? हाँ, मुझे बस स्टॉप पे मिलने वाले हर अजनबी लड़की को किस करने का मन करता है। क्या ये कोई बीमारी है डॉक्टर? एक बीमारी है, इसे ठरक कहते हैं। मतलब? इंग्लिश में इसे निम्फोमेनिया कहते हैं। तुम बहुत गंदे डॉक्टर बनो। पता है। तो अपने होने वाले पति को मेरे बारे में बताओगी क्या? क्यों, तुम तो मुझसे शादी करने के लिए दादाजी को पटाने वाले थे। बोल ना, अगर तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी शादी किसी रसिकलाल चौबे से करवा ली और उसने सुहागरात पर तुम्हें पूछा कि ये हमारा पहला किस है, क्या तुम्हारा भी पहला किस है, तो तुम उसे क्या कहोगी? That would be so embarrassing. तो तुम उसे मेरे बारे में बताओगी? नहीं नहीं यार, हवन कुंड के सामने सात सात जन्म के वादे करने के बाद तुम उसे सच नहीं बताओगी? That is so rude. मेरा बस चले तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अरे पर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी बस हमेशा पंक्चर रहती है, चलती नहीं है। सॉरी बैड जोक, पर मुझसे रहा ही नहीं गया। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा बस साइकिल ऑटो टैक्सी सब कुछ चले तो तुम क्या करना चाहोगी? ट्रैवल सारी दुनिया, अपने इंस्टॉलेशन आर्ट को लेकर, बस ट्रैवल और काम, यही दो चीजें लाइफ में करना चाहती हूँ। मुझे तो बस शादी करनी है, एक फैमिली चाहिए, तीन बच्चे और एक डॉगी। तीन बच्चे? हाँ, वो बहुत बोरिंग है यार। तीन होंगे तो उनकी लाइफ में ग्रुपिज्म होगा, झगड़े में और मजा आएगा। राइट, तीन लड़के, घर बॉक्सिंग रिंग बन जाएगा, दो बॉक्सर्स और एक रेफरी। नहीं नहीं, नाक पे दम कर देंगे। एक लड़का और दो लड़कियां। दो लड़कियां? हाँ, मुझे लगता है आज के जमाने में लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती हैं। पर लड़की का नाम रखेंगे पृथ्वी। बड़ा बोरिंग सा नाम है यार। ओके ठीक है, तुम कहते हो तो रख लेते हैं, पर लड़कियों के नाम होंगे अंजलि और मीरा। गर्लफ्रेंड्स के नाम है क्या? हाँ तो अच्छे हैं। और डॉगी का नाम? रसिकलाल चौबे। तो ये होगी हमारी छोटी सी फैमिली। हाँ, हम लोग यही गोवा में कोई बीच पे एक छोटा सा घर बनाएंगे और उसको लग के एक छोटी सी डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी? मैं सोच रहा था एक छोटा सा शैक या बार खोलते हैं। और मेरा इंस्टॉलेशन आउट? तेरे सामने पूरा बीच है, कहीं भी इंस्टॉल कर ले। क्या बता, बहुत साल बाद जब हम आज के दिन के बारे में सोचेंगे तो एक सपना सा लगेगा। हेलो, कहाँ हो तुम यार, मैं कब से तुम्हें यहाँ बाहर ढूंढ रही हूँ। अरे वो कोई ओके फाइन, नाउ हरी अप द बस इज हियर, कम ऑन हरी अप। ओके मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी? बस आ गई है तो निकलना पड़ेगा। कुछ पास में मेरे शूज। चलो ट्राई करते हैं। दोस्त मांडवी छोड़ोगे? अरे थोड़ा अर्जेंट है, पहुंचा दोगे प्लीज? 500 रुपये लगेगा। चलेगा, यहाँ से आ जा। कैफ आराम से। अरे थोड़ा जल्दी करो यार। चल रहा है ना, खुलेगा तो जाएगा ना। ठीक है।
जो भीगी बूंदें इन पलकों से बिछड़ी है, तेरी बीती हुई यादों की सुनी गलियों से गुजरी है। ये मुस्कुराहट जो होठों में छुपाए होते, ये गम की कौन सी आफत उठाए हो तुम, ख्यालों की इस नरम मुलायम चादर पर ये किसने बसेरा बनाया है, शायद तुम ही हो। हमें पहले से ही पता था ना कि हमारे पास कितना वक्त है। अगर तुम नहीं जाओगी तो क्या होगा? आज नहीं तो कल, पर कभी ना कभी तो जाना तो पड़ेगा ना। पर हमारे आगे जिंदगी पड़ी हुई है। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम सही थे, वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, बट क्या ये वक्त परफेक्ट है? पर मैं तुम्हारे साथ और वक्त बिताना चाहता हूँ। क्या होता अगर हम मिले ही नहीं होते, अगर मेरी बस लेट ही नहीं हुई होती? पर बस लेट हुई, हम मिले। Everything happened for a reason, na? Hello? Where are you? Sonia, मैं आ रही हूँ। सुन, जल्दी आ, यहाँ पर सब तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। I have to go. अरे, वो मेरा बैग। हाँ, तुम जाओ पहले। There you are. कहाँ थे तुम? कब से सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं? और तुम्हारा बैग कहाँ है? वो ला रहा है। वो कौन? ये कौन है? Hi, I'm Jay. Hi, Sonia. तुम वेदिका को पहले से जानते हो? Sonia? What? I'm just asking, yeah. Okay, fine. मैं तुम्हारा लगेज लेके जाती हूँ। तुम जल्दी से goodbye शुरू कर लो। So, this is it? Yeah, I guess. Vedika, can I call you? I mean, if we exchange numbers, we can keep in touch. Yeah, of course. Ek minute. (99205) (4407) Aur घर का नंबर? नहीं, इसी पे कॉल करना। घर पर कॉल करोगे तो बहुत से सवाल हैं, ऑल दैट, यू नो हाउ इट इज। आई अंडरस्टैंड। सो हग, बाय। Soon.
उसके बाद क्या हुआ? तूने उसे फोन नहीं किया? उसने फोन नहीं उठाया? उसके बाप ने उठाया? नहीं यार, उस नंबर में एक डिजिट कम था। मैन, डोंट टेल मी उसने तुझे गलत नंबर दिया। मे बी। अबे तो तूने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करी? फेसबुक, ट्विटर? अरे फेसबुक ट्विटर यार पहले थोड़ी ना था। अरे मेरे भाई आज तो है। गूगल किस दिन काम आएगा? क्या नाम था देविका? अबे वेदिका यार। वेदिका व्हाट? अबे कुछ तो बता, लाखों वेदिका खुल गई यहां पर। ट्राई वेदिका इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट। ओके वेदिका अग्रवाल, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया। हाँ ये शी डिड इट। कार्तिक शी डिड इट। वेदिका डिड इट। मिल गई। लगता है साले में श्रीशांत का भूत आ गया। अबे उठ साले यार, शास्त्री का कॉल आया था, 10 बजे की मीटिंग रखी ऑफिस में। अबे मैं रेडी हूं, तू मुझे बिल्डिंग से पिक कर 10 मिनट में। यार आज ऑफिस में थोड़ा स्ट्रेस हो गया। एनीवेज ये ले। क्या है ये? ये कुछ मुंबई के आर्ट गैलरीज के फोन नंबर्स और एड्रेसेस हैं। क्यों यार? जय कल रात तेरी कहानी सुनने के बाद पता चला तू सच में पुरानी फिल्मों का चलता फिरता नमूना है। बट यू नो व्हाट, तू आज भी 14 साल पुरानी उस कहानी में अटका हुआ है, और तेरी लाइफ में नई कहानी शुरू होने के लिए उस कहानी का दी एंड होना बहुत जरूरी है। मतलब ये मेरे भाई, यूनिट क्लोजर। जा और जाके ढूंढ उस लड़की को। अगर वो आज भी तेरा वेट कर रही है तो ग्रेट, फैंटास्टिक। बट डूड, अगर उसके 5-6 बच्चे हो गए तो You need to move on.
I'm your father, tell me. Don't cry, beta. Nahin, Jai, nahin. Dad, I still love her. Vedika? Of course I know her. India ki sabse promising artist hai wo. In fact, last week, pichle hafte, hum Berlin Festival mein mile the. Internationally too, she's a talent that everybody's talking about. Hmm? That's great. Pichle saal maine usse New York mein solo show dilwaya tha. And this year, she is part of India's delegation to Spain. That's fantastic. Ma'am, main Vedika ka dost hoon. अगर आप उसका ईमेल आईडी या फोन नंबर मुझे दे सकती है तो इट बी अ बिग हेल्प और अगर आप उसे कॉल करके मेरी बात करा सकती है तो आई बी रियली ग्रेटफुल प्लीज नो 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 दैट्स नॉट पॉसिबल नॉट एट ऑल देखो तुम अगर उसका आर्ट खरीदना चाहते हो ना तो इट विल कॉस्ट मिनिमम 10 लाख नहीं नहीं मैम आप समझ नहीं रही है मैं उसका आर्ट नहीं खरीदना चाहता मैं उसका दोस्त हूँ मैं सिर्फ उसे मिलना चाहता हूँ वो मुझे जानती है अगर वो आपको जानती है तो उनका नंबर भी आपके पास होना चाहिए राइट बायर कोई और है सी मैं तुम्हें 2% कमीशन दे दूंगी वी कैन वर्क आउट समथिंग इट्स वेरी वेरी सिंपल नो थैंक यू एक्सक्यूज मी हाय शायद ये आपके कुछ काम आ जाए यही है डाउन द रोड अराउंड 2 ब्लॉक्स के बाद कल शो है सो यू माइट फाइंड इट टुडे थैंक यू ये Can I help you, dude? Yeah. Vedika Agarwal. Vedika, yeah, she's inside. Thank you. अरे रमेश तुमने उधर का देखा क्या? Sorry. हाँ कर दिया वो. अरे कहाँ कर दिया यार? ऊपर मारना है बस. चलो चलो. उधर का हो गया. उधर भी हो गया. ठीक है ठीक है. पीछे का बाकी दो. ठीक है ना कोई बात. Sir, Vedika कहाँ मिलेगी? स्टूडियो में. Did you meet her? Huh? Vedika se mile? I think she's a bit busy. Come on, yaar. Wo hamesha busy rehti hai. Come, come with me. Come. Hey, Vedika. This guy was looking for you. Hey, sunny boy. Neend aa rahi hai. Chalo, let's go home. Acha, listen. Huh? Agar koi problem ho, then give me a call. Theek hai? Nahi to I'll see you in the evening. ये तुम्हारे बालों को पैसे नहीं थे ना काटने के लिए
तो तुम ड्राइंग टीचर नहीं बनी? तुम भी तो डॉक्टर नहीं बने। तुम्हें कैसे पता चला? डॉक्टर्स की एक प्लेजेंट पर्सन। देखो मुझे बहुत काम है, तो तुम्हें कुछ चाहिए या? क्यों, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुमने मुझे गलत नंबर दिया इसलिए। मैंने? तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगी? अब बस स्टॉप पर मिलने वाले हर अजनबियों को तुम अपना सही नंबर थोड़ी ना दोगी। आफ्टर ऑल दैट। बेबी जी, फ्रेम लग गया। ऐसे लगाते हैं क्या फ्रेम? वेदिका, आई कॉल्ड यू, आई कॉल्ड यू 100 times यार, बट उस नंबर में एक डिजिट कम था। प्लीज जय, मुझे ये घिसी पिटी एक्सक्यूज मत देना। अरे यू नो आई वाज सो स्टूपिड, मैं एक्चुअली तुम्हारे फोन का इंतजार करती रही और तुमने कॉल ही नहीं किया। और तुमने रसिकला से शादी कर ली, ही इज अ नाइस गाय। एनीवेज, मिसेस वेदिका अग्रवाल, इट वाज नाइस मीटिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स, ऑल द बेस्ट। By the way, you've got a sweet kid. तुम बिल्कुल नहीं बदले ना? हो गई तसल्ली? What are you talking about? You know exactly what I'm talking about, Jay. तुम मुझसे इतने सालों बाद मिलने नहीं तसल्ली करने आए हो ना? कि जो तुमने मेरे बारे में सोच रखा है वो सही है या नहीं? तुम तो यही सोच रहे होगे ना कि पुअर लिटिल रिच बेब, शादी कर ली, बच्चे हो गए और इसका पति इतना भी बुरा नहीं होगा क्योंकि वो उसे इंस्टॉलेशन आर्ट करने की इजाजत भी देता है। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ तुम्हें देख कर। हीरो, मैं एक्चुअली पागल हो गई थी। मैंने जाकर अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है, आर्ट टीचर नहीं बनना है, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट बनना है। मैं इतनी पागल थी कि मैं तुम्हारे फोन के लिए वेट करती रही और वो भी महीनों तक। I was so foolish. अकेली थी, मैं निकल गई थी उस घर से। पापा जो इतनी फिक्र करते थे उन्होंने भी नहीं रोका, मम्मा भी। जस्ट लुक वेदिका, आई एम रियली, जस्ट डोंट टच मी जय, डोंट यू डेयर। तुम्हें तो अपने दोस्तों को बताने के लिए घटिया कहानी मिल गई थी ना? I swear to God यार, मेरी दादी की कसम, I called you. Please Jay, come up with something new. Sorry. Okay? हो गया? देखो, Just don't touch me. टच तो तुमने किया, वो भी इतनी जोर से। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पता मुझे मेरे दूध वाले ने दिया है? तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं? मुंबई की सारी आर्ट गैलरीज घूम चुका हूं, मुंबई के सारे आर्ट डीलर से तुम्हारा पता पूछ चुका हूं। एनीवेज, पर अब क्या फायदा? आई एम हैप्पी कि तुम सेटल हो गई हो, तुम वो कर रही हो जो तुम हमेशा से करना चाहती थी। I'm happy. तो उसका नाम क्या है? किसका? रसिकलाल।
तुम्हारा हस्बैंड कुणाल? हाँ कुणाल। वो मेरा दोस्त है, ही इज एन इंटीरियर डिजाइनर। वो मेरी मदद कर रहा है सेटअप करने में कल के लिए। एक मिनट, देखो मैं फुल्ली कंफ्यूज हो रहा हूँ। तुम्हारी उससे शादी नहीं हुई और वो बच्चा वो तो तुम्हारा नहीं होगा ना। सो आर यू सीइंग समवन और डेटिंग? तो एक बात कह सकता हूं? जोर से टच तो नहीं करोगी ना? तुम्हें पता है उस दिन से लेके आज तक मैंने जो तुम्हारे साथ कनेक्शन फील किया था, मैंने और किसी लड़की के साथ फील नहीं किया है। और मैं वही कनेक्शन फील करना चाहता हूं फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, सिर्फ तुम्हारे साथ। आई लव यू। मी टू। हाँ मी टू। एक मिनट, मी टू का मतलब तुम मुझसे ही प्यार करती हो या अपने आप से? हाँ मैं रसिकलाल से प्यार करती हूँ। पर रसिकलाल तो हम कुत्ते का नाम रखने वाले थे। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा ही कुछ सोचती थी जब तुमने मुझे कॉल नहीं किया। तो शादी कब करें? पहले ये बाल कटवाओ फिर शादी के बारे में सोचेंगे। अरे भी गया यार, निकाल के दिखाओ।